Hey, what's up guys, my name is Ganesh Gosain and you are watching Fashion Styler. Just imagine कि आप एक रेस्टोरेंट या फिर क्लब में अपने दोस्तों के साथ बैठकर मस्त चिल कर रहे हो एंड उसी वक्त थोड़े से दूर में आपको एक मस्त हॉट सी लड़की दिख जाती है, आपको वो लड़की पसंद आ जाती है एंड आप उससे बात करना चाहते हो एंड उसे बताना चाहते हो कि किस कदर उसका चेहरा आपके दिल में छप चुका है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबराहट होता है, आपको डर लगता है क्योंकि आपके अंदर सपने टूट जाने का डर बना हुआ है। अब आप ये सोचते हो कि उससे जाकर कैसे बात करूं, कैसे उसे सब कुछ बताऊं एंड इतने ही देर में एक बड़ा ही एवरेज सा बंदा जो कि उतना भी गुड लुकिंग नहीं है उसके पास आता है, उससे हैंडशेक करता है, बात करता है एंड थोड़ी देर में उससे उसका नंबर ले लेता है और आप बस ये पूरा चीज होते हुए देखते रह जाते हो एंड घर जाके आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे फर्स्ट मीट पे किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो एंड सिर्फ अप्रोच ही नहीं, एट द एंड आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा एंड जितना भी टिप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हूबहू आपको अच्छे से समझना पड़ेगा एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नंबर वन, बी ओपन अप। मान लो आप कहीं पे बैठे हो या फिर खड़े हो तो आपको ऐसे सिमट के नहीं बैठना है, फिर सिमट के नहीं रहना, अपने हाथों को बांध के नहीं रखना है, अपने पैरों को बांध के नहीं रखना है, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ये सब भी क्लोज्ड बॉडी पोस्चर्स होते हैं एंड जब आप क्लोज्ड बॉडी पोस्चर्स मेंटेन करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा वीक यानी कि कमजोर एंड नर्वस दिखते हो एंड अगर आप वीक बॉडी पोस्चर्स मेंटेन करके रखोगे तो वो लड़की आपको देखते ही मन में आपको रिजेक्ट कर देगी। सो यू नीड टू मेंटेन एन ओपन बॉडी पोस्चर। आपको अपने हाथों को बांध के नहीं रखना है, पैरों को बांध के नहीं रखना है, कीप योर बैक स्ट्रेट, ओपन योर सेल्फ एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई द स्पेस अराउंड यू व्हेन यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग। दिस मेक्स यू अपीयर मोर रिलैक्स्ड एंड अ पर्सन विद अ स्ट्रांग पर्सनालिटी। नंबर टू, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमारे कन्वर्सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आप किसी भी इंसान से प्रॉपर वे में आई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो आप उस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पाओगे कन्वर्सेशन के वक्त एंड अगर आपको ये चीज सीखना है कि आपको कैसे प्रॉपर तरह से आई कॉन्टैक्ट करना आना चाहिए तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो जरूर चेक करना। इसमें मैंने बताया कि आप कैसे राइट वे में किसी भी इंसान के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। अब आई कॉन्टैक्ट करते वक्त आई नो कि आपका कंडीशन कुछ ऐसा होने वाला है। प्यार की बुकिया, प्यार की प्यार से देखो और प्यार से देखो। अरे हमारी गांड फटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? पर आपको उसे अजीब तरह से घूरना नहीं है, बस उसकी आंखों में देखना है। अगर आप किसी भी लड़की को अजीब तरह से घूरोगे तो वो ऑकवर्ड फील करने लगेगी। आई कांटेक्ट करने के बाद आता है थर्ड स्टेप। इसमें आपको उसे देख के स्माइल करना है। आपको ऐसे क्रीपी तरह से स्माइल नहीं करना है, बस उसके तरफ में देखिए एंड हल्का सा स्माइल दीजिए एंड देन लुक अवे। इस स्टेप के बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर फोर, अप्रोचिंग हर। इस स्टेप में आपको एक्चुअली लड़की से जाकर बात करना होता है एंड इस चीज के लिए सही में कॉन्फिडेंस का जरूरत है एंड ज्यादातर बंदे यहीं पे फेल कर जाते हैं क्योंकि वो लड़की से बात करने से पहले ही अपने दिमाग को अलग अलग नेगेटिव थॉट्स से भर लेते हैं कि कहीं उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं उसने ना बोल दिया तो, कहीं उसने पब्लिकली मेरी बेइज्जती कर दी तो, कहीं उसने चाटा मार दिया तो। तो सुन काके, वो कुड़ी भी तो इंसान है, बेफिक्र जा और कुड़ी नाल गल कर, कुड़ी कुछ नहीं बोलेगी। अब उस लड़की से बात करने के लिए मैं आपको जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा आपको सिमिलरली सेम स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले उठो अपने जगह से जहां पे भी तुम बैठे हो या फिर खड़े हो एंड उस लड़की के तरफ में वॉक करके जाओ। वॉक करके जाके आपको उसको एक अच्छा सा हैंडशेक देना है। हैंडशेक देने के बाद आपको खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराना है एंड खुद को इंट्रोड्यूस करते वक्त भी सिर्फ हाय या हेलो बोल के रुक मत जाना, क्योंकि अगर तुम हाय बोलोगे एंड लड़की हेलो बोलेगी तो उसके बाद एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाएगा आप दोनों के बीच में। आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, मैं वॉक करके जाऊंगा लड़की की तरफ में, मैं उससे हैंडशेक करूंगा एंड बोलूंगा हाय माय नेम इज ज्ञानेश्वर एंड आई एम अ यूट्यूबर। आपको इस तरह से उसके साथ इंट्रोडक्शन करना है। अब आप एक बार खुद को उससे इंट्रोड्यूस कर देते हो तो इसके बाद आता है नंबर फाइव, कैरी एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आपको उसके साथ कन्वर्सेशन कैरी आउट करना है लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। अपने कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा जोक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन कभी भी फर्स्ट मीट पे किसी भी लड़की के साथ डबल मीनिंग जोक मत करना। फॉर एग्जांपल, लड़की कुछ बात आपको बता रही है एंड आप उसको बोलोगे कि आपसे बात करने के बाद मेरा खड़ा हो गया, रॉन्ग टे खड़े हो गए। भाई लिटरली मैं बोल रहा हूँ लड़की छोड़ के भाग जाएगी, ऐसी कोई हरकत मत करना, ठीक है? आप बहुत ही ज्यादा चीप लगोगे अगर आप फर्स्ट मीट में ही डबल मीनिंग जोक्स क्रैक कर रहे हो, ठीक है? दो तीन मीट्स के बाद जब लड़की आपको अच्छे से जान जाए उसके बाद आप डबल मीनिंग जोक्स क्रैक कर सकते हो, बट फर्स्ट मीट पे बिल्कुल भी नहीं। अपने कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इसकी, फाइंड अ कॉमन टॉपिक, ठीक है? आपका एंड वो लड़की के बीच में एक कॉमन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डांसिंग पसंद है एंड उसे भी डांसिंग पसंद है तो आप दोनों उस कॉमन टॉपिक पे काफी देर तक बात कर सकते हो एंड इंटरेस्टिंग वे में बात कर सकते हो। अब हर इंसान का एक अपना इंटरेस्ट होता है तो कॉमन टॉपिक भी हर लड़की का सेम नहीं होगा। आपको बात करते करते इस चीज को फाइंड आउट करना है एंड अगर कोई कॉमन टॉपिक नहीं मिलता है
तो झूठ बोल के कोई भी एक कॉमन टॉपिक बना दो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलेगी कि उसको बुक रीडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड आपको बुक रीडिंग नहीं पसंद है, आप बोल दो कि हाँ मैं भी थोड़े बहुत बुक्स पढ़ लेता हूँ। अगर कन्वर्सेशन थोड़ा सा बोरिंग या फिर ऑकवर्ड होने लगे तो आपको कन्वर्सेशन को खत्म करना है एंड कन्वर्सेशन के लास्ट में आपको उस लड़की का कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल मांग लेना है, फॉर एग्जाम्पल उसका फोन नंबर। एंड अगर वो अपना फोन नंबर देने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही है तो आपको उसका फेसबुक आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी ले लेना है ताकि आप उससे बाद में दोबारा से कॉन्टैक्ट कर सको। लड़की का नंबर या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेने के बाद उसे सिंपली बाय बोलो, टेक केयर बोलो एंड वहां से निकल लो। लेकिन आपको उस लड़की को उसी दिन कॉल या टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, वरना वो समझ जाए कि आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो एंड आप उसके लिए एक इजी पीस ऑफ केक बन जाओगे। आपको नेक्स्ट डे उसको गुड मॉर्निंग मैसेज करना है। एंड नंबर 7, प्रैक्टिस। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टिप्स बताए आप एक बार में सभी टिप्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हाँ हो सकता है आपके अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शुरू शुरू में ना आए, बट जैसे जैसे आप इन सभी टिप्स को अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आप कुछ टाइम के बाद किसी भी लड़की से बात कर सकते हो एंड आपको उसका नंबर भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जिस भी फ्रेंड को इस वीडियो का जरूरत है उसे शेयर करो। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।